हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या होता है। और दो वर्ड्स, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, ये दो वर्ड्स, दो टर्म्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं, ट्रेंड में हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन। अक्सर लोग समझते हैं कि बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है। नहीं, बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी है। जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है जिसमें डिटेल्स में आप देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक आई बटन पर दिया हुआ है, आई बटन से आप लेकर के उसको वॉच कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स में पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। जिस तरह से इंटरनेट जब आया था तो इंटरनेट ने काफ़ी सारे बदलाव आए और दुनिया को बदला, उसी तरह से ब्लॉकचेन भी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है टेक्नोलॉजी है जो रेवोल्यूशन लेकर आएगी। तो और आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। जैसे मनी ट्रांसफ़र, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मनी ट्रांसफर की प्रॉब्लम है। मनी ट्रांसफ़र है, जैसे मान लो ए कोई भी बी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, मनी, ठीक है। तो ए इंडिया में है, ठीक है, और बी यूएस में है। तो सपोज ये इसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ए जो है करेगा एक थर्ड पार्टी के थ्रू करेगा, कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होगी, उसी के थ्रू कर सकता है। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो ए जो है इस पार्टी को पैसा भेजेगा और ये पार्टी इसको पैसा भेजेगी। तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू ए से बी को पैसा जाएगा। सपोज $100 उसने ट्रांसफ़र किए तो इसको आएगा $99। तो इसने जो भी इसका कमीशन है वो लिया और इसको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। ए ने इस ट्रस्टेड पार्टी को दिया पैसा और 2 से 3 दिन लगते हैं, वो उसको पैसा चला जाएगा बी को और वो अपना जो भी चार्जेज होगा कमीशन वो ले लेगा। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसमें प्रॉब्लम यह है कि नंबर वन, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है कि इमीडिएट पैसा नहीं मिल रहा है, 2 से 3 दिन लगेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है एक थर्ड पार्टी पर हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट भेज रहे हैं तो थर्ड पार्टी है उस पर हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो है हाई कमीशन है, ये जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हाई कमीशन ले रहा है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन कैसे सॉल्व करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहला तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ब्लॉकचेन जो है ए से बी को पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा तो सबसे पहला तो लेस टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा, थर्ड पार्टी जो ए से बी को डायरेक्ट पैसा जा रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू, तो थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, तो नो थर्ड पार्टी। तीसरा प्रॉब्लम है हाई कमीशन, जो कमीशन है जब बीच में से जो थर्ड पार्टी था, ब्रोकर था, वो हट गया तो कमीशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, चार्जेस भी कम हो जाएंगे, तो लेस कमीशन। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन जो है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं मनी ट्रांसफर में, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करेगा, इजी करेगा। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, ओपन लेजर। तो
यहाँ समझते हैं कि लेज़र क्या होता है। पहले तो लेज़र होता है कि बैंक्स और कंपनीज़ में एक ऐसी बुक, ऐसा रजिस्टर जिसमें सारी लेन देन को, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जिसको हम खाता बही भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन उसी तरह से एक बहुत बड़ा ओपन लेज़र है। ओपन लेज़र के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसमें। तो ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये सपोज़ मान लेते हैं कि ए, ये पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ए के पास $100 है। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये जेनेसिस ब्लॉक है। जेनेसिस जहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जेनेसिस ब्लॉक। अब ए जो है, सपोज बी को जो है $50 जो है ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी ए टू बी $50। ठीक है, अब बी डी को करता है $30, तो एक ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, एक ब्लॉक बन जाएगा बी टू डी $30। ये जो हैं लिंक्ड हो जाएंगे नेटवर्क में एक दूसरे से, ये जो ब्लॉक्स हैं वो लिंक हो जाएंगे। आप देख रहे हैं चेन की तरह बनता जा रहा है सारे ट्रांजेक्शन। और मानते हैं कि डी जो है सी को $20 ट्रांसफ़र करता है, तो एक ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी डी टू सी $20। तो आप ये देख रहे हैं चेन में चलता चला रहा है पूरा सिस्टम। तो ये इस तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। ओपन लेज़र, ओपन लेज़र कैसे है, ये जो एक लेज़र बन गया, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो एक लेज़र हो गया। तो लेज़र क्या है कि इस लेज़र की कॉपी ए के पास भी जाएगी, डी के पास भी जाएगी और सी के पास भी जाएगी और बी के पास भी जाएगी। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी नेटवर्क में है, वो सारी ट्रांजेक्शन को देख सकता है और लेज़र जो है, जो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो सारा का सारा उसका कॉपी ए को भी जाएगा, बी को भी जाएगा, सी को भी जाएगा, डी को भी जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से ही काम करता है ओपन लेज़र। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई सेंटर नहीं है। जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में लेज़र अगर मेंटेन होता है तो आप कोई भी जाकर के उसको नहीं देख सकता, या फिर सिस्टम पर भी सर्च करके नहीं देख सकता कि भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की बैंक ने, वो नहीं आप देख सकते। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप देख सकते हैं, जो कि ओपन लेज़र का कॉन्सेप्ट ये है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो उसका लेज़र हर किसी के पास पहुंच जाएगा, एक एक कॉपी। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि ए सी को जो है $50 जो है ट्रांसफ़र करता है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई ए टू सी। तो ए टू सी जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, एक लेज़र में जो सिस्टम में चल रहा है, ये लूप में नहीं है, उस लूप में ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो दैट इज़ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड ट्रांजेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ओपन लेज़र का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होगी उसमें, और जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है और जिसको भी कर रहा है, तो सेम ट्रांजेक्शन का कॉपी हर किसी के पास जाएगा, और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको जो भी नेटवर्किंग अवेलेबल है वो एक दूसरे का सारा ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है इसमें। तो यही है इसमें ओपन लेज़र का कॉन्सेप्ट। माइनस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि माइनस कौन होते हैं और माइनस कैसे काम करते हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क में।
माइनर्स, जैसे हमने ओपन लेजर के कॉन्सेप्ट को समझा, सपोज ए ने बी को जो है $50 ट्रांसफ़र किया और बी ने डी को $30 ट्रांसफ़र किया, तो ये लेज़र में ट्रांजेक्शन हुई ए टू बी $50, बी टू डी $30। इस तरह से ये लेज़र ऐसे यहाँ पर ए टू बी, बी टू डी, और ये लेजर में ट्रांजेक्शन्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि बी सी को जो है $20 ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन होगी बी टू सी $20। ये जो ट्रांजेक्शन है बी टू सी, एक वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये लूप में नहीं है। जिस तरह से लूप चल रहा है ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, सी टू ए, तो ये लूप में नहीं है, एक वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को जो माइनर्स होते हैं नेटवर्क में ब्लॉकचेन के, वो इनको वैलिडेट करते हैं और जो है लेज़र में उसको वैलिडेट करके उसको ऐड करते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वैलिडेट नहीं है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं डी और ए, इस नेटवर्क में दो माइनर्स हैं ए और डी, तो डी जो है इसको वैलिडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ की, क्योंकि जो माइनर्स हैं उनके पास कंप्यूटेशन पावर होती है, ये सिस्टम पे काम करते हैं माइनर्स और कीज को सर्च करते रहते हैं, गैस करते हैं चीज कीज को, और कीज की हेल्प से इस तरह की ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो डी इसको वैलिडेट करेगा इस ट्रांजेक्शन को, और वैलिडेट करने के बाद, की फाइंड करने के बाद, इस लेजर में इसको ऐड कर देगा। तो इस तरह से ये लेजर में ऐड हो गई, वैलिडेट हो गई। अब इस काम के लिए जो वैलिडेशन करते हैं माइनर्स, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता है, तो इसको इस काम के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा। अब इस नेटवर्क में दो जो हैं माइनर्स हैं ए और डी, तो सेम काम के लिए दोनों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसलिए ए को ये वाली ट्रांजेक्शन अपने लेज़र में भी ऐड करनी होगी। तो ए ने भी इसको ऐड कर लिया, तो इस तरह से लेज़र में ऐड हो गई ये सेम ट्रांजेक्शन। अब इसकी जो कॉपी है लेज़र की, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी अक्रॉस द नेटवर्क, जो जो इस नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, ए टू बी, बी टू डी, बी टू सी। तो इस तरह से एक लेज़र की कॉपी बी के पास चली गई, ऐसे ही एक लेज़र की कॉपी सी के पास चली गई, बी टू डी, बी टू सी। तो इस तरह से माइनर का कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क में काम करता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको वैलिडेट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।